सर आइए, आप सभी को गुड इवनिंग। अभी मैं रात के समय में ये वीडियो बना रहा हूँ। एक लाइन था, किसी गुब्बारे पे लिखा था, किसी गुब्बारे पे, कि वो जो बाहर है वो नहीं, गुब्बारे पे लिखा था वो जो बाहर है वो नहीं, वो जो भीतर है वहीं आपको ऊपर उठाता है, वहीं आपको उन्नति की ओर ले जाता है। आप समझ सकते हैं इसका अर्थ। आइए हम इस पोके पे कुछ वर्ड्स देख लेते हैं जो कि हम सबका बहुत काम आएगा। तो हम देखेंगे, और कहना हुआ किसी को, या अगर हम कहीं जाते हैं, किसी इंसान से मिलते हैं, किसी क्लासरूम में जाते हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को, तो बोलेंगे हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल, हाउ आर यू ऑल, आप लोग कैसे हैं, हाउ आर यू ऑल, हाउ आर यू ऑल, आप कर सकते हैं, आप लोग कैसे हैं, हाउ आर यू ऑल, हाउ आर यू, हाउ आर यू मतलब आप लोग कैसे हैं। और का यूज कर सकते हैं, नहीं भी, हाउ आर यू स्टूडेंट्स, हाउ आर यू चिल्ड्रेन, है ना, हाय बच्चों आप लोग कैसे हैं, आप गुड मॉर्निंग एवरीवन या गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी का यूज कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी आप यूज कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग, शाम के समय में कहीं जा रहे हैं किसी सभा में, गुड इवनिंग, दोपहर में जाते हैं तो गुड आफ्टरनून, इट डिपेंड्स अपॉन यू, ये आप पे निर्भर करता है समय क्या है। आइए बात करता हूँ, मुझे बताओ, कहना हुआ इंग्लिश में टेल मी, मुझे बताओ, टेल मी, मुझे बताओ क्या हुआ, मुझे बताओ क्या हुआ, टेल मी व्हाट हैपेंड, टेल मी व्हाट हैपेंड, क्या हुआ को इंग्लिश में व्हाट हैपेंड। कल याद दिलाना, रिमाइंड मी टुमारो, कल याद दिलाना, रिमाइंड मी टुमारो, बाद में याद दिलाना, रिमाइंड मी लेटर, बाद में याद दिलाना, रिमाइंड मी लेटर। इसे मिटा दो, इरेज इट, इसे मिटा दो, इरेज इट, बोर्ड को मिटा दो, इरेज द बोर्ड, बोर्ड को मिटा दो, इरेज द बोर्ड। या बच्चे लोग कॉपी में लिख रहे हैं, पेंसिल से बच्चे ज्यादा, किड्स के पेंसिल से ही लिखते हैं, बोला होगा इसे मिटाओ, इरेज इट, इरेज इट। आगे बात करता हूं, शाबाश, अगर अच्छा कोई करता है उसको कहना हुआ शाबाश, वेल डन, वेल डन, वेल मैंने अच्छा, डन मैंने किया, वेल डन अच्छा किया, दैट मींस शाबाश। जल्दी आओ, जल्दी आओ, कम, कम सुन, कम सुन, जल्दी आओ, कम फास्ट का भी यूज कर सकते हैं। वापस आओ, कम बैक, वापस जाओ, गो बैक। इसे दो बार करो, डू इट ट्वाइस, इसे दो बार बोलो, स्पीक इट Twice. तो मत, don't lisp. आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, L I P S, lips मने होट होता है, लेकिन यहाँ पे L I S P है, लेकिन P बाद में S पहले, lisp, lisp मने होता तुतलाना, don't lisp, तुतलाओ मत, बहाने मत बनाओ, don't make excuses, बहाने मत बनाओ, don't make excuses, अपनी बारी का इंतजार करो, अपनी बारी का इंतजार करो, वेट फॉर योर टर्न, वेट फॉर योर टर्न, मुझसे बात करो, टॉक टू मी, मुझसे बात करो, टॉक टू मी, चिल्लाओ मत, डोंट शाउट, चिल्लाओ मत, डोंट शाउट, कौन चिल्लाया, हु शाउटेड, कौन चिल्लाया, हु शाउटेड। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ऐसे ही अट्रैक्टिव लेकर के, जो कि स्पोकन सेंटेंस होगा, आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगा इससे। और आप मेरा एक काम करिए, अगर आपको अच्छा लगता है, कुछ समझ में आता है, तो प्लीज दो चार दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए, शेयर करिए, थोड़ा लाइक कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।